आज हम ट्रैवल करें फ्रॉम नाहरलगुन टू गुवाहाटी इन शताब्दी एक्सप्रेस। सो ये कुछ है कोच के इंटीरियर एंड सबसे बड़ा फर्क जो विस्टाडोम में है वो कि ये जो ग्लासेस है ना काफी बड़े हैं। जैसे इस पार देख लीजिए नाहरलगुन का पूरा शहर कितना खूबसूरत दिख रहा है। नहीं थोड़ा सा इस पार और आ जाइए, थोड़ा सा इस पार। हाँ समय से पहले चल रहे हैं तो लोको पायलट भी अपने आराम से थोड़े टहल रहे हैं। और चम्मच भाई साहब, बच्चों को खिलाने वाला जो चम्मच होता है ना वो दिया है। देखिए ये बहुत सही तरीका है बॉटल्स को रिसाइकल करने का। यहाँ पे जो है ना ट्रेन का लोको रिवर्सल हो रहा है। टी गार्डन्स नॉर्थ ईस्ट का असली मजा ना यहीं पे है। ये जो डीजल इंजन है ना इसको देख के मेरे मन में एक ही गाना आता है, कदे फिर मिलांगे। देवी और सज्जन नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट सीरीज के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। एक सीरीज हमें बनाता हूँ ना, मेरी कोशिश रहती है कि ऑर्डिनरी बस जर्नी रहे, लग्जरी बस जर्नी रहे, ट्रेन जर्नी रहे, फिर कुछ जगह घूमना रहे। इस वाले सीरीज में भी एक बहुत बढ़िया ट्रेन जर्नी होगी जो कि मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। लास्ट वाले व्लॉग में हम गुवाहाटी से चलकर नाहरलगुन आए थे जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, हेलीकॉप्टर में। भाई आपके लिए ना वैरायटी पे वैरायटी ला रहे हैं। अब जो है हम ट्रेन जर्नी करके वापस गुवाहाटी जा रहे हैं, गुवाहाटी होते हुए शिलोंग जाएंगे। तो बता दूं आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इन नाहरलगुन गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए एक तो है शताब्दी, ऊपर से आज हम ट्रैवल करने वाले हैं विस्टाडोम क्लास में, जिसके बालकनी से आपको बहुत अच्छे नज़ारे मैं आज के दिन दिखा पाऊंगा। ऑल्सो बता दूं ये है इंडिया का स्मॉलेस्ट शताब्दी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोचेस, जो कि सिर्फ आई गेस 5 ही हैं, 3 एसी चेयर कार, 1 विस्टाडोम और 2 योजी, दैट्स इट। सो आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, होटल वालों ने गेट खोलने में टाइम लगा दिया, मैं भी थोड़ा लेट ही निकला। 6:45 को चलती है सुबह, हफ्ते में 3 दिन, मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड ऑलरेडी 6 बज गए हैं एंड स्टेशन अभी यहाँ से 20 मिनट और लगने हैं। मैंने ये व्लॉग यहाँ से क्यों चालू किया, ये जो जगह है ना मेन नाहरलगुन हेलीपैड के पास वाला जगह, ये मैं पिछले 2 सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ कि टूटा फूटा है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे एकदम कीचड़ हो जाता है, फिर कभी भी ठीक नहीं होता। मुझे जब लास्ट टाइम आया था मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगा अगली बार, बट ये ऐसे का ऐसा ही है। अथॉरिटीज़ के ध्यान में मैं ये ला रहा हूँ कि भाई जब यहाँ पे बारिश हो जाता है ना पूरा एरिया बहुत गंदा हो जाता है, तो इसको प्लीज़ ठीक कीजिए वहाँ से यहाँ तक। जो भी है बता दूँ कि हम निकलेंगे यहाँ पे सुबह के 6:45 पे एंड दोपहर के 12:30 तक हम गुवाहाटी में होंगे, फिर हम शेयर टैक्सी लेके शिलोंग चले जाएंगे। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से स्टेशन के लिए, करते हैं एक रोमांचक जर्नी की शुरुआत। पहुँच चुका हूँ नाहरलगुन रेलवे स्टेशन में। ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इंडिया की सिर्फ एक लौती शताब्दी है जिसमें कोई एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं है, ये तो खैर विस्टाडोम है उससे ऊपर, बट जो एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार होता है ना E1 वो नहीं है। 9 degrees हाफ शर्ट, देख लीजिए हाफ शर्ट। अगले 2 व्लॉग में खांसते हुए फिरूंगा, फुल शर्ट खत्म हो गया फिलहाल एंड जैकेट जो है वो काफ़ी हैवी है। तो अरुणाचल प्रदेश है दी लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहले सनराइज यहीं पे होता है। सो ये कुछ है नाहरलगुन का स्टेशन, देखिए वहाँ पे नाहरलगुन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ईटानगर भी लिखा हुआ है। ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा है एग्जैक्टली। यहाँ पे APSTS की 2 बसें भी खड़ी है। अच्छा यहाँ पे ना आपको ईटानगर तक की ये बस सर्विस मिल जाएगी, तभी ऊपर ईटानगर लिखा हुआ है। चलते हैं स्टेशन के अंदर। रेलवे ने एक स्कैम कर दिया मेरे साथ वो मैं बताता हूँ। कल मैंने कोच पोजीशन चेक किया कि ये जो विस्टाडोम है ना एग्जैक्टली ट्रेन के आगे है कि पीछे है, तो कल चेक किया, कल जब ट्रेन आ रही थी तब आगे लिखा हुआ था और आज जब ट्रेन जा रही है तब पीछे लिखा हुआ था, मतलब एग्जैक्टली व्हाट एनीवन लाइक्स। बट यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि विस्टाडोम जो एकदम इंजन के पीछे है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। वैसे यही कुछ है नाहरलगुन का स्टेशन, यहाँ पे जो है इनका कोचिंग यार्ड है। आज की इस जर्नी के लिए मैंने पे किया 1700 रुपये। यहाँ पे देखिए कोई ट्रेन बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है NFR ने, एंड ट्रेन कितनी छोटी है देखिए, वहाँ शुरू होती है एंड यहाँ पे ख़त्म।
दोस्तों बात करें ट्रेन बुकिंग्स की, IRCTC इतना ज़्यादा कैप्चा मांगती है ना कि मैं तो परेशानी हो गया। मैं अपने ट्रेन और होटल बुकिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ अडानी वन ऐप। इस ऐप पे आपको 94% एक्यूरेसी के साथ वेटिंग लिस्ट कंफर्मेशन प्रेडिक्शन मिल जाएगा, फ्री कैंसिलेशन जिसे अगर आप ऑप्ट करते हैं तो टिकट कैंसिल करने पे आपको एक भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। हर बुकिंग पे मिलेगा 5% अडानी रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कि आप अगले बुकिंग पे यूज़ कर सकते हैं, यानी 5% का डिस्काउंट ही हो गया। और सबसे ज़रूरी, आपके पहले ट्रेन बुकिंग पे आपको मिलेगा 200 रुपये का ऑफ अगर आप मेरा कूपन कोड SOMIT200 यूज़ करें तो। UPI से पे करने पे आपके कोई एक्स्ट्रा पेमेंट गेटवे चार्जेस नहीं लगते और बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, अच्छा ऐप इंटरफेस, ये सब तो है ही। इसी ऐप पे आप होटल बुकिंग भी कर सकते हैं जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड DOMSTAY यूज़ करें तो। जैसे मैं अभी शिलोंग जा रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे होटल डील्स मुझे मिल रहे हैं, इन्हीं सब से मेरी कुछ सेविंग्स होती है जो कि मैं फ्यूचर ट्रिप के लिए यूज़ करता हूँ। आप भी अडानी वन ऐप से अपना सफ़र यादगार बना सकते हो बिल्कुल मेरी तरह। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इस विस्टाडोम कोच में, अंदर चल के आपको इंटीरियर दिखा देते हैं। ये देख लो, यहाँ पे ना लगेज स्टोरेज कोच के बाहर है क्योंकि ऊपर जो है पैनल्स लगे हैं तो ऊपर सामान वाला रैक नहीं है। सो ये कुछ है कोच के इंटीरियर। एंड सबसे बड़ा फ़र्क जो विस्टाडोम में है वो कि ये जो ग्लासेज है ना काफ़ी बड़े हैं एंड ऊपर भी पैनल्स लगे, हालांकि साफ़ नहीं है। बाकी सीट जो इसमें आपको 2x2 के मिलते हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास में होती है उससे भी अच्छी, एंड सीट जो है ना रोटेटेबल है। जैसे आप अगर चाह रहे हो कि फैमिली मेम्बर्स हो आप चार तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे ना आपके इंफॉर्मेशन वाले डिस्प्ले, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन और स्पीड VDA सब आता है। एंड जो सबसे मेन चीज़ है जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो है ये गैलरी। ऑल्सो मैं बता दूं आज के टाइम पे रेलवे फोकस कर रहा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में, तो ये जो पीछे डीजल इंजन लगा है ना ये हो सकता है आपको 10 साल बाद ना दिखे, बिल्कुल ना दिखे, एकदम रिटर्न ऑफ। सो अपना आज का लोगो है WDP4D। एंड बाकी ये कि लोगो के जस्ट पीछे है ना तो बढ़िया जो इंजन साउंड है वो सुनने को मिलेगा। एंड ये जो WDP4D लोकोमोटिव है ना इसका साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, हमिंग साउंड है बिल्कुल, सुनने में मज़ा आता है काफ़ी। एंड बाकी ये न्यू गुवाहाटी सेट का है, ये जो डीजल इंजन है ना इसको देख के मेरे मन में एक ही गाना आता है, कदे फिर मिलेंगे, वही है कि क्या पता कब फिर मिलेंगे। खास करके ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया अभी भी बचा हुआ है, लेकिन बाकी जो भी कुछ नया बन रहा है ना वो सारे इलेक्ट्रिफाइड है। यहाँ पे दोस्तों इंजन का एक कैप देख लो कैसा होता है। जो भी है चलते अंदर, इस साइड आ रही है नाहरलगुन गुवाहाटी सुखोवी डोनोपोलो एक्सप्रेस। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है नाहरलगुन गुवाहाटी, यहाँ पे लिखा हुआ है नाहरलगुन सुखोवी। जैसे ये गुवाहाटी तक रुक जाएगा कोच और ये सुखोवी चला जाएगा, ये है NFR। ये सुखोवी जो है ना नागालैंड में आता है, एंड ये जो सुखोवी वाला लाइन है ना अल्टीमेटली इन फ्यूचर कोहिमा तक ही जाएगा। ऑल्सो ये ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में आने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत है। यहाँ पे स्टेशन में भी वो चेक होता है, अलग से जगह बनाया हुआ है इनर लाइन परमिट के लिए। ऑनलाइन अप्लाई कर देना, 3 दिन का जो बनता है वो 300 रुपये का बनता है एंड 14 दिन का बनता है 500 रुपये का। तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना क्योंकि फालतू में यहाँ पे धक्के खाने में किसी को भी मज़ा नहीं आता होगा। ऑलमोस्ट अपना डिपार्चर टाइम हो गया है, बढ़िया सा एक हॉन्ग सुनते हैं निकलते हैं फ्रॉम नाहरलगुन। एग्जैक्टली 6:45 इन द मॉर्निंग और हम निकल रहे हैं फ्रॉम नाहरलगुन। इसका जो अगला स्टॉप है वो हारमोती है। किसने मिस कर दिया क्या ट्रेन? बता दूं डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम आज 330 किलोमीटर का इन अ टाइम ऑफ 6 आवर्स। ऑल्सो टोटल 7 हॉल्ट आएंगे हमारे इस आज के जर्नी में। जो जो आपको इस वीडियो में एंजॉय करना है ना वो है बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे इस पार देख लीजिए नाहरलगुन का पूरा शहर कितना खूबसूरत दिख रहा है।
सुबह के जो है अभी 7:05 हो रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं हारमुती। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश से आसाम में एंटर हो चुके हैं। बाकी की जो झंडी है ना वो आसाम में ही रहेगी, बस ये छोटा सा पार्ट था अरुणाचल में। एंड ये कुछ है दोस्तों हारमुती का स्टेशन, हारमती। यहाँ पे देख लो काफ़ी पैसेंजर्स ना वेट कर रहे हैं शताब्दी के लिए, काफ़ी सारे बोर्डिंग हैं यहाँ से। ऑल्सो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें, एक जिससे हम आए और दूसरा आ रहा है मुरकोंग सेलेक्ट से, जो कि एकदम पासीघाट साइड है, वही अरुणाचल आसाम बॉर्डर पे। क्या चप्पल गिर गया? नहीं, थोड़ा सा इस पार और आ जाइए, थोड़ा सा इस पार, हाँ थोड़ा सा, बस हाँ। किन का है? वैसे अभी जस्ट क्रॉस किया दिक्रोंग रिवर, एंड बता दूं कैटरिंग इज इंक्लूडेड इन योर टिकट, बीट एसी चेयर का और बीट दिस, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं उसके, आपके उसमें ₹125 एंड इसमें ₹275 बच जाएंगे। बाकी एक लीटर का पानी का बोतल एंड मॉर्निंग टी इज बीइंग सर्व, तो चाय एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया व्यूज़। और क्योंकि सीट्स ऐसे रोटेटेबल हैं तो पीछे टेबल लगाने का कोई मतलब नहीं, टेबल इन्होंने ना यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे वैसे ना टिकट में दिया है गर्म पानी, एक डाइजेस्टिव बिस्किट का पैकेट, क्रीमर, टी बैग एंड शुगर। काफ़ी लो क्वालिटी है ये जो क्रीमर वगैरह है, हमेशा तो अमूल के ही मिलते हैं। यहाँ पे ना वैसे हम सिंगल लाइन सेक्शन से चल रहे हैं एंड जो मैक्सिमम लिमिट है अभी के लिए रांगापाड़ा तक वो 100 किलोमीटर्स पर आवर का है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ क्रॉसिंग्स भी देखने को मिले। सुबह के 8:10 हो रहे हैं, पहुंच गए हैं विश्वनाथ चरली। आई थिंक लगभग 122 किलोमीटर हम अभी कवर कर चुके हैं लगभग 1:40 में, विच इज़ अ गुड स्पीड। और सुबह का कॉर्नफ्लेक्स सब हो चुका है। दो चीज़ें, एक कि कॉर्नफ्लेक्स का कोई पैकेट नहीं है जैसा शताब्दी वंदे भारत में पैकेट देते हैं, एक बड़े बॉक्स से उन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को दे दिया, मिल्क वगैरह सब कुछ मिला के सबको ऐसे ही सर्व कर दिया। और चम्मच, भाई साहब बच्चों को खिलाने वाला जो चम्मच होता है ना वो दिया है इन्होंने, मतलब सिस्टम अपने हाथ में ले रखा है कि हाँ जो हमारी मर्ज़ी हम वो करेंगे। क्योंकि देखिए एक हाइजीन का भी इशू आ जाता है जब आप एक बड़े कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट से सबको डिस्ट्रीब्यूट करके डाल रहे हो, तो रैदर दैन आप नॉर्मल पैकेट किसी को दे दो जो 10 रुपये का पैकेट होता है। एंड मेनू में भी ना वही लिखा हुआ है कि आपको पैक्ड कॉर्नफ्लेक्स ही देना है सबको। जो भी है, यहाँ पे हम 2-4 मिनट बिफोर टाइम है एंड आई होप कि 12:30 तक हम गुवाहाटी में होंगे। समय से पहले चल रहे हैं तो लोको पायलट भी अपने आराम से थोड़े टहल रहे हैं।
ये देखिए टी गार्डन्स, टी गार्डन्स नॉर्थ ईस्ट का असली मजा ना यहीं पे है। टाइम इज 8:15 दी मॉर्निंग और हम पहुंच गए हैं रोंगापाड़ा नॉर्थ। उस साइड तो कोई पैसेंजर ट्रेन खड़ी है एंड आई गेस यहाँ पे ना हम बिफोर टाइम आए हैं। ये लोगों देखिए हमारा जो तिरंगा का लिवर ये उसमें लगाया हुआ है। ऑल्सो ब्रेकफास्ट के बारे में बता देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन शताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, इसका इंजन देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है सभी को क्योंकि ये है तिरंगा लिवरी। देखिए ये बहुत सही तरीका है बॉटल्स को रिसाइकल करने का जो कि करा है हमारे NFR ने, ये अच्छा काम करा है। एंड इसमें प्लांट्स लगाए उन्होंने, इन बॉटल्स में ना उन्होंने प्लांट्स लगाए। रोंगापाड़ा का जो स्टेशन है ना वो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी रोंगापाड़ा नॉर्थ जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन ना यहाँ से डेकरगांव तेजपुर की ओर चली जाती है। बाकी खैर थोड़ा बहुत मैं अपना काम कर लेता हूँ। आज के दिन एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर एक क्लास में विस्टाडोम में जो सर्विसेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाया। यहाँ पे ना हम एकदम बढ़िया टाइम से चले हुए हैं। गाइस टाइम इज 10:52, पहुंच गए हैं रोंगिया जंक्शन पे। मुझे ना इसी चीज का इंतजार था क्योंकि यहाँ पे हमारा लोको रिवर्सल होगा। दो फायदे हैं, एक तो ये लोको रिवर्सल देखने को मिलेगा, अभी ये अनकपल करेंगे फिर उधर जाके कपल करेंगे, एंड दूसरा हमें जो गैलरी है ना वो खाली मिल जाएगा, अभी तक उसके सामने लोगों था। तो इसके बाद ना मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखा पाऊँगा, हालांकि पहाड़ के नहीं होंगे मगर चलो जो भी है अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव ना यहाँ से खुल के उस पार जाएगा, ट्रेन इतना छोटा है कि वहाँ चले ही जाऊँगा दिखाने। एंड जो लोको पायलट्स हैं ना वो भी अभी कैब शिफ्ट कर रहे हैं, पहले वहाँ पर बैठे थे अभी यहाँ पर बैठे। जैसे हमेशा होता है ये कपलिंग देखने के लिए भीड़ जम जाती है वैसा ही हो रहा है। बाकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं अभी अनकपल करने की। और ट्रेन के घटिया ब्रेकफास्ट से परेशान होके फाइनली डोसा वगैरह मिला, कुछ 50 रुपीज़ का मिला साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, एंड इडली अच्छी नहीं थी। एंड यहाँ पे चल रही है फिलहाल चाय, इंतज़ार कर रहा हूँ अपने लोगों का। यहाँ पे जो है ना ट्रेन का लोको रिवर्सल हो रहा है, कपलिंग का ना अलग ही क्रेज है। ओह तो बस चलने के लिए तैयार है, यहाँ से गुवाहाटी 50 किलोमीटर्स है जो शायद हम अगले एक घंटे में कवर कर लें। निकलते यहाँ से, यहाँ दिखाता हूँ आपको हमारे व्यूइंग गैलरी से कुछ अच्छे अच्छे व्यूज। यहाँ पे ना लाइन डबलिंग का काम चल रहा है, ये जो है सिंगल लाइन है, इस पर तो एटलीस्ट ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ही है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह भी लग रहे हैं, काफ़ी जगह मैंने देखा काम चल रहा है। विस्टाडोम गैलरी में बैठ के पीछे काम देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हम CRS इंस्पेक्शन में आए हों। Thank you.
यहाँ पे ना पानी वानी भी खत्म हो गया। अरे एनएफआर है भाई, एनएफआर। यहाँ पे गाइस हम क्रॉस कर रहे हैं सौराईघाट ब्रिज, वो रहा ब्रह्मपुत्र रिवर। पिछली बार जब मैं आया था ना, पूरा पानी आया था, बारिश के सीजन में आया था। फिलहाल जो है दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, पहुंच चुके हैं कामाख्या। और ऐसा रीति रिवाज बन चुका है कि गुवाहाटी जो भी ट्रेन जाती है ना, कामाख्या पे रुकती ज़रूर है, तो रुक गई। यहाँ पे है वैसे सबसे फेमस कामाख्या माता जी का मंदिर। एंड बाकी देखते हैं, यहाँ से आई थिंक 10 से 15 मिनट और लगने चाहिए गुवाहाटी तक के, एंड फिर हम शेयर्ड कैब ले लेंगे फॉर शिलोंग। वो भी मैं बता देता हूँ कि कितने रुपये चार्ज वगैरह करते हैं। यहाँ पे वैसे आई थी अपनी सौराईघाट एक्सप्रेस जो कि हावड़ा जा रही है। फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के, आई गेस 1 बज रहे होंगे, लेट्स सी। 1:15 मिनट हो रहे हैं, गुवाहाटी में आपका स्वागत है। असम की राजधानी नहीं है, असम की राजधानी एक्चुअली दिसपुर है, जो यहाँ से थोड़ा 5-6 किलोमीटर है। विस्टाडोम में था, बढ़िया लग रहा था, लेकिन आके एक और चीज़ दिखी जो कि विस्टाडोम से भी बढ़िया है, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। इस चीज़ का ना एक अलग ही क्रेज़ है। खैर अभी निकलते हैं स्टेशन से बाहर। अगर इन द केस सुबह आ रहे हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक ASTC की बस जाती है सुबह सुबह, और सुबह 7 बजे मेघालय सरकार की एक ट्रैवलर जाती है जो कि मात्र 200 रुपये में आपको यहाँ से शिलोंग पहुँचा देगी एकदम पुलिस बाज़ार तक। और जो बस है वो ISBT तक जाएगी जो कि आसाम गवर्नमेंट की है। दोनों की वीडियोज़ मैंने बनाई है, एक हिंदी में एक बंगाली में, बट खैर कोई बात नहीं, आज शेयर टैक्सी लेंगे क्योंकि दोपहर को ना बसें वसें नहीं रहती। एंड दूसरी बात, ISBT शिलोंग पहुँचना और शिलोंग पहुँचने में काफ़ी फ़र्क है। कितना फ़र्क है भाई? 2 घंटे का फ़र्क है। अभी स्टेशन से निकलते ही आपको दिख जाएगा शिलोंग शिलोंग शिलोंग। मगर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि कौन कब जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए तुरंत किसी को लगेज हाथ में मत दे देना, वो जाके अपनी गाड़ी के डिक्की में रख देगा और फिर 1-2 घंटे बाद निकलेगा। पहले देखो कि किसकी गाड़ी में कितनी सवारियाँ हो गई। एक चीज़ तो मैं ये भी बताना भूल गया कि ब्रेकफास्ट के बाद जो चाय मिलती है वो भी नहीं मिली। और यहाँ पे ना गुवाहाटी में उतर के आपको प्लेटफॉर्म 7 के तरफ से एग्जिट करना है, इस तरफ से 1 वाले साइड मत चले जाना, उधर कुछ भी नहीं मिलता। इसी साइड है पल्टन बाज़ार, यहीं पे आपको होटल्स रेस्टोरेंट्स और शेयर गाड़ियाँ मिल जाएंगी। फिलहाल ना गाइस दोपहर के 1:45 हो रहे और हम निकल गए हैं शिलोंग के लिए, लगभग 100 किलोमीटर है जिसके लिए 2 से 3 घंटे लगेंगे। सितारा तू।
कभी कभार ना मुझे लगता है एज ए क्रिएटर कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है मेरे लिए वो है वाईफाई। रिसेप्शन पे मैंने पूछा कि किसका वाईफाई है, उन्होंने बोला जियो। मुझे मोबाइल में भी दिखा कि जियो 5G लिखा हुआ रहा है। यूजुअली इस केस में मिनिमम स्पीड जो रहता है वो 50 Mbps का रहता ही है, एंड मैक्सिमम तो 1 Gbps भी मुझे मिला हुआ है। तो मुझे लगा कि ठीक है रह लेते हैं। प्राइस थोड़ा ज़्यादा बोला इस होटल ने। दिस इज़ होटल रेनबो। शिलोंग में ना होटल महंगी मिलते हैं, एंड रूम दिखा दूँ, छोटा सा रूम है। हालांकि इससे भी अच्छा रूम ऊपर मिल रहा था, बट मैंने यहीं पे ले लिया। तो बस फाइनल वीडियो रेंडर हो रहा है। लोकेशन इसका बहुत सही है, मतलब जो मेन पुलिस बाजार का चौक है ना उससे जस्ट 1 मिनट वॉकिंग। और यहाँ पे मैं पहले भी रुका हूँ तो मुझे लगा चलो रह लेते हैं, बट फिर उन्होंने बोला कि जियो वाला वाईफाई अब हमारा काम नहीं करता, दूसरा वाईफाई है कोई लोकल कंपनी का, BSNL वगैरह। उसमें जो है भाई बिल्कुल स्पीड नहीं आ रही, 10 Mbps, 15 Mbps। फिर मैं ऊपर एक दो फ्लोर्स चेक किया तो एक फ्लोर पे जियो का है, तो उसी से मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुवाहाटी स्टेशन से निकल गई, लेफ्ट में एक छोटी सी गली दिखेगी, वहां पे शिलोंग के कुछ टैक्सीज खड़े होंगे और बाकी आगे निकल जाएंगे तो ढेरों टैक्सी मिल जाएगी शिलोंग बोलते हुए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।